देखो माई भाई, देख रहे हो ना ये अबानी चाचा क्या कर रहा है यार। 5 बार हम लगातार खिताब अपनी टीम के नाम कर चुके, 1-2 सीजन में नहीं चले, तो ये भैया हमारी जगह पांडे को ले आया और उसको कप्तानी भी दे रहा है। अबे बसकर रोहित के बच्चे, धोनी को क्या भैया रो रो के बता रहा। अबे भूतनी के 20 में अंतिम बार जीता, 21, 22, 23 3 साल हो गए, 24 में भी तेरे से कुछ नहीं होगा, इसलिए भैया हमको अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलानी। अबानी चाचा वो भी ये हमारी वजह से जीता यार, ये तो केवल कप्तान नहीं करता था, 1-2 रन बनाने के बाद लुढ़क जाता था, हम कप्तान नहीं थे, ये कप्तान था, सारा क्रेडिट ये ले जाता था, अब भैया हम बन गए हैं कप्तान। अब इसको फोकट में मिर्ची लग रही है। अबे यार वो भी हमारे नाम करो, कप्तानी भी हमारे नाम लिख दो खाते में, क्योंकि भैया वो हमारी वजह से जीता। अब देखना मुंबई इंडियन 6ठी बार बनेगी चैंपियन। अबे बसकर पांडे के बच्चे, अमानी चाचा खामखा गलती कर रहे हो, इतना पैसा फोकट में जाया कर रहे, इससे अच्छा था किसी गरीबों को दे देते। भैया इसने एक टाइटल किया, जतवाया गुजरात को, आपने सारा पैसा इसको दे दिया। रोहित बेटा बस करो, आपका समय चले गया है, यही आप शुक्र मनाओ कि हमने आपको टीम में रखा हुआ है। ज्यादा टेंटे करोगे ना तो हमारा दिमाग सटक गया ना, तो भैया उठा के टीम से भी बाहर कर देंगे, फिर कोई नहीं लेगा आपको। पांडे को देखो भैया, हमने इधर से फारे किया, गुजरात में चले गया, कप्तानी मिली पहली बार, भैया अपनी टीम को टाइटल जितवा दिया। यार वो हमारा दिमाग उस बार खराब हो गया था, खामखा तुम पर पैसा लुटा दिया, अब भैया सारा पैसा हम इसको देंगे, इसको बना दिया कप्तान। अबानी चाचा इसको टीम में रखना था तो रख लेते यार, किसने मना किया था, लेकिन यार हमारी कप्तानी क्यों छीनी यार, कोई बताएगा यार, तुम चुप करके बैठे। 5 बार हमने यार कप जितवाया, हमें इसे भैया उठा के फेंका जैसे हमारी कोई उकार। वाह वाह रोहित भैया वाह, कप्तानी तुम करते, मेहनत हम करते, सारा मेवा फल तू खाता। अबे अबे ऐसा नहीं होगा, वैसे भी अब तू बुढ़ा हो गया भैया, तू खिसक ले। सही बात है, खामखा बेइज्जती करवाएगा, हम तेरे को प्लेइंग 11 में भी नहीं रखेंगे, खिसक ले। रोहित भैया कप्तानी को छोड़ो, कप्तानी में क्या रखा, चुपचाप खेलो, नहीं तो इज्जत का और कचरा हो जाएगा, ये कहीं आपको टीम से बाहर ना कर दे। हमको देखो कप्तानी नहीं कर रहे, लेकिन शुरू से एक ही टीम में खेल रहे, लेकिन अभी तक भैया कभी चैंपियन नहीं बने, शुक्र है। बोली भाई साहब केवल एक आप ही हो सीनियर जिसकी इज्जत होती है, बाकियों की कोई इज्जत नहीं होती। रोहित भैया तू खुद सोच यार, पूरी जिंदगी एक ही टीम के लिए खेलेगा, बेशक सारे कप जितवा के दे, कोई इज्जत नहीं करेगा साला, जब भैया टाइम निकल जाए। अब बाबर भैया सही कह रहे हो यार, 5 बार चैंपियन बनाया, ससुरी वाले टक्के की इज्जत नहीं करते यार, 1-2 सीजन नहीं चले तो दिमाग खराब कर दिया। कोहली भाई के मजे हैं, अभी भी जब डीपू खिसक जाता है तो ये फिर कप्तान बन जाता है। हाँ रोहित भैया अबानी चाचे के पास इतना पैसा है, हालांकि इसकी टीम इतनी बार जीती है, फिर भी पता नहीं ये क्या चाहता है, जो अच्छा खेलता उसको सारा पैसा देके लेके आता है, ये सोचता है हर बार यार इसकी टीम कप जीते। यार एक काम कर, सारा पैसा आईपीएल वालों को दे दे और उनसे भैया डायरेक्ट ट्रॉफी ले ले, भैया चैंपियन बन जा, अपनी टीम के नाम चिपका दे, तो खेलने की भी जरूरत नहीं, आईपीएल भैया फिर बाहर में जाएगा, जिस टीम का भैया जो प्लेयर अच्छा देखता है उसके पीछे पड़ जाता है, ऐसे थोड़ी होता है। अबे तू तो चुप कर चूही के मुंह वाले, हर साल पूरा पैसा ले जाता है, फिर अनफिट का बहाना बनाए के भूतनी का एक मैच नहीं खेलता, इस साल नहीं खेला ना तो भूतनी के कोई बहाना बनाया ना, तेरे घर के सारे बर्तन बेच के ना पैसा वसूल करूंगा, ठीक है ना। अबानी चाचा खामखा दिमाग का दही बना रहे हो, ये पांडे को ले आते लेकिन कप्तान ना बनाते, ये एक टाइटल अपनी टीम को गलती से जितवा गया था। भैया पिछले सीजन में क्या हुआ, ये धोनी पाजी की टीम ने कैसे ठोका भैया। अबे चुप करो यार सब ससुरी वालों, रोहित भैया तुम टेंशन नहीं लो यार, हमको ही देखो, हमको चेन्नई वालों ने एक बार हटाया कप्तानी से तो टीम का कैसे सत्यानाश हुआ था, दूसरी बार फिर हमको कप्तानी दी, हमने चैंपियन बनाया, ऐसा तुमको मौका मिलेगा। रोहित भैया आप टेंशन नहीं लो, धोनी साहब सही कह रहे हैं, 2 साल पहले चेन्नई वालों ने जड्डू को कप्तान बनाया तो उसकी बीच में चली फट गई थी ना, अब पांडे की भैया पैंट फटेगी, तुम सिलाई कर देना ठीक है। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।